जिस तरह तेल अपना खेल दिखाने में लगा है, उसी तरह भारत भी अपनी नींव मजबूत करने में लगा है। मतलब कि तेल पर निर्भरता को लगातार कम करने में लगा है और इसके परिणाम भी शानदार निकल के आने लगे हैं। और इसी कड़ी में भारत की कई कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बड़े निवेश के साथ दस्तक देने में लगी है, जिसके चलते भारत में ईवी सेगमेंट अपना विस्तार करने में लगा है। और इसी से जुड़ी एक खबर सामने निकल के आ रही है। दरअसल इलेक्ट्रिक कार्गो और यात्री वाहन निर्माता ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने अगले 2 साल में बैटरी और पावरटेन वी निर्माण के लिए 2 संयंत्र लगाने पर 800 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। बता दें कि यह कंपनी ओमेगा समूह का हिस्सा है और कंपनी ने अमेरिकी कंपनी IM3NY के साथ जॉइंट वेंचर का गठन किया है, जिससे भारत की यह कंपनी अमेरिकी कंपनी की सेल टेक्नोलॉजी को भारत ला सकेगी और स्थानीय स्तर पर इसका विनिर्माण कर सकेगी। मतलब सब कुछ स्वदेशी अंदाज में किया जाएगा। ईवी सेगमेंट में इंपोर्ट का सहारा खत्म करने के लिए ओमेगा सेकी मोबिलिटी बड़े कदम उठा चुकी है। इसके अलावा ओमेगा सेकी दक्षिण कोरिया जॉइंट वेंचर पार्टनर जयसेंग की टेक्नोलॉजी पर 7 किलोवाट से लेकर 34 किलोवाट की 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन का भी निर्माण करेगी। इसके जरिए कंपनी का इरादा पूरी तरह इंटीग्रेटेड OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनने का है। साथ ही साथ इन टेक्नोलॉजी के जरिए ओमेगा सेकी को सप्लाई चेन के महत्वपूर्ण हिस्से पर नियंत्रण भी मिलेगा, जिससे ओमेगा सेकी इंडस्ट्री का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आएगा। वहीं 800 करोड़ रुपए का निवेश करके ओमेगा सेकी हरियाणा में पावर ट्रेन संयंत्र लगाएगी, साथ ही साथ बैटरी कारखाना महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। देखा जाए तो ईवी सेगमेंट में ये एक शानदार शुरुआत है, क्योंकि भारत अब सारे पार्ट्स और कंपोनेंट देश में ही निर्मित कर रहा है। साथ ही साथ तकनीकी हस्तांतरण के साथ भारत उनका निर्माण भारत में कर रहा है। मतलब कोई असेंबलिंग नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।